आपको बिल्कुल वो तरीका सिखाने जा रही हूँ जो हम लोग शूटिंग्स पे अपनाते हैं और हमारा पूरा दिन मेकअप टिका रहता है। क्वेश्चन बहुत आता है मुझे कि फाउंडेशन लगाने के बाद काला काला दिखने लगता है। इस क्वेश्चन का जवाब आज के वीडियो में देने वाली हूँ मैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स, और गर्मियों में मेकअप करो तो पसीना बड़ा आता है, मेकअप खराब हो जाता है। अब इस मेकअप को मेंटेन कैसे किया जाए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं कि पसीना कम आए या ना आए, और अगर आए तो मेकअप खराब ना हो, आज इसी का डिटेल वीडियो करने जा रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। अगर आप बहुत सारा मोटिवेशनल स्टफ देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज विद मी करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत दिनों से थाली थाली चल रहा था, मैंने कहा अरे हमारा मेकअप वीडियो तो पीछे रह गया, एक बनाते हैं। फिर आपके कमेंट्स पढ़े तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्मियों में हम मेकअप को कैसे मेंटेन करें ताकि पसीना ना आए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो स्टेप है फ्रेंड्स, ये श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है कि आपको बहुत कम पसीना आएगा और मेकअप बहुत लंबे टाइम तक टिका रहेगा। बड़ा सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए है आइस क्यूब्स, यानी कि ये हमारी नॉर्मल सी जो बर्फ होती है वो, बस इसे लीजिए। सबसे पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। धोने के बाद जब आपने अपना फेस वॉश से फेस वॉश कर लिया, और ये लीजिए ऐसे करना है। और जिन लोगों को अगर थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम है, जो नहीं बहुत ज़्यादा बर्फ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी मुझे भी है वैसे उतनी ज़्यादा नहीं, तो क्या करेंगे कि ठंडे पानी से जो है फेस को धो लें, बस हो गया। आपसे एक चीज़ शेयर करूं हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री की, जो हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस होती थी ना, वो पहले जो है हमेशा अपने साथ एक आइस बॉक्स छोटा सा कैरी किया करती थी, उसमें बर्फ रखती थी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा जो है फेस पे आइस रब करती थी, उसके बाद ही मेकअप शुरू करती थी। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिन्हें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या गर्मियों में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पोर मिनिमाइजर करके एक प्रोडक्ट आता है, आपने सुना होगा। आप अगर अमेजोन वगैरह या किसी भी साइट पे जाकर देखेंगे, ऑनलाइन ढूंढेंगे, तो आपको आराम से मिल जाएगा पोर मिनिमाइजर। मैं ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ, ये है काया यूथ अर्बन डिटॉक्स पोर टाइटनिंग एंड प्योरीफाइंग टोनर। तो ये डबल काम कर देता है। ये क्या काम करता है, ये टोनिंग भी कर देगा और पोर्स को भी जो है काफ़ी हद तक बंद कर देगा, ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा हमारी स्किन से बाहर ना आए। ये देखिए, बस इसे हमने हल्का सा हिलाया, एक कॉटन पैड पे थोड़ा सा लिया और फेस पे लगा लेंगे। क्रीम्स भी आती हैं फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट प्राइमर्स भी आने लगे हैं जो पोर्स को काफी हद तक बंद कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज सनस्क्रीन। फ्रेंड्स, सनस्क्रीन प्लीज जरूर लगाइए, हर मौसम में लगाइए। हमारे इंडिया के लिए जो SPF चलता है वो 30 प्लस चलता है, काफ़ी अच्छा रहता है वो। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए या ऑयल फ्री सनस्क्रीन लगाइए। न्यूट्रोजेना काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लोटस की काफ़ी अच्छी होती है। इस टाइम में लगाने जा रही हूँ बायोटिक की बायो सैंडलवुड, ये 50 SPF तक की है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देती है और ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, वाटर रेजिस्टेंट भी है। ये है कि इसकी हल्की सी शाइन है, अगर आपको पर्सनली शाइन नहीं पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है हल्का सा ग्लो फेस पे, तो फिर आप दूसरी कोई लगाइए। अदरवाइज अगर शाइन चाहिए नेचुरल, तो ये मुझे बहुत पसंद है। नेक वगैरह, बाहें, जो भी पोर्शन एक्सपोज हो रहा है सन को, मतलब बाहर नहीं भी जा रहे हैं, अगर घर पे भी रेडी हो रहे हैं तो भी लगाइए। ओके, तो फाउंडेशन की बारी है फ्रेंड्स। तो फाउंडेशन मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि गर्मियों में बहुत हल्का होना चाहिए। बहुत थिक फाउंडेशन और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप जो है वो गर्मियों के मौसम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर इवनिंग का टाइम है तो आप फिर भी कर सकते हैं, डे में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मैं सजेस्ट करती हूँ फिट मी मेबेलिन का जो है, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इसमें भी हल्का सा SPF है 22, लेकिन इसके पहले भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। ये मैट है, इसलिए जो है गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं शेड यूज़ करती 220। बस इससे मैं पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपनी फिंगर्स से। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात कहूंगी, ब्रश यूज करना हमेशा मैं कहती हूँ टोटली ऑप्शनल है। हमारी फिंगर्स से
बहुत अच्छा मेकअप ब्लेंड हो जाता है। अगर आप ब्रशेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, करना चाहते हैं तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट क्या है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी जो है फिंगर से मेकअप करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत हल्की सी यही फिंगर जो है हम आईज के ऊपर घुमा देंगे। वैसे भी ये बहुत नेचुरल मेकअप दिखा रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे बहुत सारे दूसरे स्टफ के लिए, बहुत सारी पर्सनालिटी मैनेजमेंट की रील्स के लिए। अब फाउंडेशन को हम फिक्स कैसे रखेंगे पूरा दिन, तो गर्मियों के मौसम में हम यूज़ करते हैं बनाना पाउडर। वैसे अदरवाइज तो हम कोई भी ट्रांसल्यूसेंट या लूज पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों में स्पेशली जो है हम बनाना पाउडर यूज़ करते हैं। ये है रेवोल्यूशन का बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। हल्का सा जो है येलो टोन होता है इसका, लेकिन मालूम नहीं चलता लगाने के बाद, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्रश इसके लिए आपको चाहिए होगा, पूरे फेस पे लगा दीजिए। जो पोर्शन आपके ज़्यादा ऑयली हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा पाउडर लगा दीजिए ये वाला, जैसे टी जोन हम सबका ज़्यादा थोड़ा ऑयली होता है। ये कान के ऊपर भी घुमा सकते हैं हल्का सा। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत आता है मुझे कि फाउंडेशन लगाने के बाद काला काला दिखने लगता है, इस क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में देने वाली हूँ मैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आईब्रो किट अलग से है आपके पास तो ठीक है, मिस क्लेयर का यूजुअली अच्छा लगता है मुझे, और अगर नहीं है तो ये लैक्मे एब्सोल्यूट पैलेट, ये मुझे काफ़ी पसंद आया ऑफ लेट, ये यूज़ करती हूँ मैं। इसमें जो ये डार्क ब्राउन शेड है ना, ये आईब्रो फिलर का भी काम कर देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कलर्स आई शैडो के लिए आप चूज करेंगे समर्स में, बहुत ही फ्रेश कलर्स होने चाहिए, सब कुछ बहुत ताज़ा और फ्रेश लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, डीप कलर्स, या फिर काफ़ी डार्क जो है वो काजल, हेवी लाइनर्स, ये सब हाँ एक बार इवनिंग में तो आप कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा समर्स में स्पेशली। ओके, तो इसमें से आई शैडो कौन सा चूज़ करने जा रही हूँ मैं, जैसे ये फ्रेश कलर्स है ना, ग्रीन बड़ा प्यारा लगता है, ये पिंक, ये दोनों पिंक बड़े अच्छे लगते हैं, पीच न्यूड है ये बहुत अच्छा लगता है, पीच बहुत अच्छा लगता है, तो इस टाइम मैं पीच ये वाला शेड जो है यूज़ करने जा रही हूँ। मेरे कुर्ते के साथ भी मैच हो रहा है, तो फुल लुक ज़रूर देखिएगा। कैन यू सी, डन। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा हेवी काजल करने का मन नहीं है, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, तो यही ब्राउन शेड उसी आईब्रो ब्रश से, जो एंगुलर ब्रश है, से नीचे लगा दिए, हल्का सा लिया ऐसे, एंड हियर लाइक दिस। सो नेक्स्ट इज आई लाइनर, जो कि ऑप्शनल है, मैं माइनस कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो पिंक पीचिश फ्रेश जो शेड आ रहा है आई शैडो का वो ज़्यादा दिखाना है, और मेकअप को बिल्कुल नेचुरल रखना है, लेकिन आई मस्कारा ज़रूर लगाऊंगी। सो दिस इज़ लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा, मेबेलिन का भी इक्वली पॉकेट फ्रेंडली है और अच्छा है, जो कोलोसल येलो वाला आता है ना वो वाला। तो मेकअप जो है हमारा काला क्यों पड़ जाता है, आई एड्रेस दिस क्वेश्चन इन टूडेज वीडियो। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम मेकअप की शॉपिंग गलत करते हैं, मतलब ये नहीं कि हम ब्रांड्स गलत चुनते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन होता है ना वो गलत चूज़ करते हैं। जब कभी भी हम मेकअप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो यूजुअली जो है हमें काफ़ी सारे शेड्स हमारे रिस्ट पे यहाँ पे ट्राई कराए जाते हैं, और बहुत सारे शेड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्किन टोन के साथ नहीं जा रहे होते हैं, बहुत या तो हमें फेयर दिखा रहे होते हैं या पिंकिश होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम इंडियंस का जो अंडरटोन है स्किन का वो येलो ऑरेंज है मैक्सिमम, जो बहुत एक्सेप्शनली गोरे लोग हैं उनके ऊपर वो पिंकिश टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, व्हाइटिश है, इनफैक्ट मेरा भी जो है, हम लोग जो हैं वो येलो ऑरेंज अंडरटोन में आते हैं। इस टाइम जो आप देख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये तो आजकल कैमरास बड़े अच्छे होते हैं ना, हमें काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस दिखाने लगते हैं। दूसरी बात बताने से पहले मैं आपको अपना ब्लश ऑन दिखा दूं। मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्टे क्वर्की का डबल डेट
ब्रंच रेडी टू, ये शेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक खत्म हो गया तो मैंने दोबारा ही दूसरा मंगवा लिया। अगेन ये बहुत ही फ्रेश लुक देता है, पीच पिंक बड़ा ही अच्छा है और सब कॉम्प्लेक्शन के साथ चला जाता है, दैट्स दी बेस्ट पार्ट। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा जो भी वहाँ पे सेल्स गर्ल होती हैं या सेल्स वुमन होती हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम फेयर टोन खरीदें। हमेशा जो टोन्स हमें इनकरेज करते हैं ना लेने के लिए कि अरे ये फाउंडेशन लगाइए आप, इससे गोरे दिखेंगे, ये अच्छा लगेगा, रंग थोड़ा खिला हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो हमें गोरा नहीं दिखना है। हमें क्यों दिखना है गोरा? हमें फ्लॉलेस दिखना है, हमारी स्किन स्मूथ दिखे, फ्लॉलेस दिखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम गोरे दिखें। और क्या होता है कि वो जब हम गोरा वाला ले लेते हैं और नीचे से हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है असली वो नहीं है, तो वो मिक्स होकर जो है वो हल्का सा जो है एक डार्क इफेक्ट देने लगता है, ऑक्सीडाइज भी हो जाता है कई बार फाउंडेशन, तो डार्क इफेक्ट देने लगता है हमारी स्किन के ऊपर। इनफैक्ट हमारा अगर टोन नहीं होगा तो हमारे ईयर्स से, गले से, कई जगह से मालूम चल जाता है कि हमने मेकअप किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भी दिखता है अगर हल्का भी करें तो प्लीज़ प्लीज़ जो टोन है वो सिलेक्ट कीजिए आप बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उस हिसाब से, या एक शेड, बिल्कुल एक शेड डार्क भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन फेयर कभी मत लीजिए। आइएगा नहीं फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप मेकअप को गर्मी के मौसम में मेंटेन कैसे रखेंगे जब बाहर जाएंगे तो। ओके, तो लिपस्टिक भी हमको बिल्कुल फ्रेश शेड्स लगाने हैं, जैसे कि ये हो गया, खाली लिप ग्लॉस भी लगा सकते हैं, पीचिश पिंक कुछ भी। ये लैक्मे की पिंक लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी पसंद है मुझे। इसका नंबर बता देती हूँ, पिंक हील्स, ये काफ़ी पूछा है आप लोगों ने, पिंक हील्स बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। एंड देन मिस क्लेयर के भी कई शेड्स अच्छे आते हैं, ये पीच शेड है, ये लगा सकते हैं, कोई भी फ्रेश शेड लगा लीजिए। फिलहाल मैं इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके लगा लेती हूँ। एक बार फिर कह दूँ, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सबको बताइए मेरे बारे में कि मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ यूट्यूब के लिए। दिस इज़ माई फुल लुक फ्रेंड्स, और देखिए मैंने छोटा सा जो है ये पेंडेंट पहन लिया है गले में, ज्वेलरी भी दिन के टाइम में गर्मियों में बहुत ज़्यादा हैवी पहननी पसंद नहीं करती हूँ। ओके, तो हमारी टिप ये है, मैं आपको बिल्कुल वो तरीका सिखाने जा रही हूँ जो हम लोग शूटिंग्स में अपनाते हैं और हमारा पूरा दिन मेकअप टिका रहता है। हमें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ चाहिए, वो ये है पफ, इसे कहते हैं हम। वैसे आजकल लोग ब्रश रखना भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करती हूँ बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है। ये एक सिंपल सा जो पफ आता है ना, ये ख़रीद लीजिए। उसके बाद जो भी पाउडर आपने ट्रांसलूसेंट यूज़ किया या बनाना पाउडर है, ऐसे ये लीजिए, ऐसे कीजिए इसे, ये देखिए यहाँ पर जो है लग जाएगा थोड़ा सा, इफ़ यू ऑल कैन सी। और उसके बाद इसको हमने ना ऐसे दबा दिया, ये देखिए ऐसे प्रेस कर दिया तो इसमें घुस जाता है वो। और फिर हम लेंगे एक टिश्यू पेपर, और एक टिश्यू पेपर में हम इसे करेंगे ऐसे रैप, और हम अपने पर्स के अंदर इसे डाल देंगे। तो जब कभी भी हमें टचअप का टाइम मिलेगा, सपोज किसी फंक्शन में गए हैं, जब वॉशरूम में गए या वहाँ पहुँचने के बाद कभी भी, जो है बस आपने लिया, इसको निकाला, हल्का सा लग, अच्छा पहली चीज़ अगर सिर्फ हल्के से ड्रॉप्स लग रहे हैं पसीने से, तो पहला स्टेप है कि आप बस ऐसे ही डैप कर देंगे, ऐसे हल्का सा। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, थोड़े से टचअप की और ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमने निकाला, इसको हमने यहाँ पर या हथेली पे ऐसे हल्का सा जो मिक्स किया, वो जो पाउडर था ना, पाउडर दिखे नहीं, और बस हल्का हल्का यहाँ मोस्टली आता है ऑयल, ऐसे प्रेस किया, जहाँ जहाँ हमें पसीना दिखा, ऑयल दिखा, उसको हमने ऐसे ऐसे करके प्रेस किया, और वापस जो है इस प्यारे से छोटे से पफ को हमने लपेटा और अपने पर्स में डाल दिया, क्योंकि ये हमारा मैजिकल पफ है जो हमारा मेकअप मेंटेन रखेगा लॉन्ग आवर्स तक। आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, इफ सो देन प्लीज सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।